अगर याद करें सन 19 क्रिकेट में आखिरी बॉल पर सिक्सर या फिर टाई के बाद सुपर ओवर, फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट या फिर हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक, विजेता के फैसले के लिए इन तरीकों की जरूरत तब पड़ती है जब मुकाबला कांटे का हो। दिल धड़काने वाले रोमांचक मुकाबले ही दर्शकों को पसंद आते हैं। बाजार में मुनाफे का खेल भी कम रोमांचक नहीं है। शेयर मार्केट्स के सही खिलाड़ी पर दाव लग जाए तो कमाई की बाजी पक्की हो जाती है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके लिए सेक्टर के सबसे बेहतरीन सितारे ढूंढेंगे। उनके लिए ये खोज आसान नहीं होने वाली है क्योंकि कंपटीशन बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच है। और आजकल कहां बॉलीवुड हॉलीवुड, इन सब की जरूरत कहां पड़ती है। आजकल तो सारा फोकस शिफ्ट हो गया है यूएई, वहां शारजा और दुबई के क्रिकेट मैदानों पर सारा का सारा दारोमदार है। उस जबरदस्त इंडिया पाक मुकाबले के बाद अब सब चर्चा में है, इंतजार कर रहे हैं वो सुपर फोर के स्केड्यूल का। सब इस वीकेंड वहीं पे बिजी होंगे तो फिर और कहीं आइडिया तलाशने की जरूरत कहां थी। हम भी एक्स बनाम वाई करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे केस में ये होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट। करने क्या वाले हैं, आइडिया है क्या, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। पहले हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। ऑरेंज कैप में आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब नजर आएंगे। पर्पल कैप में मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय नजर आएंगे। सॉरी, कैप्स नहीं है इनके सरों पर, लेकिन ये टॉप खिलाड़ी हैं, ध्यान रखें, शेयर बाजार के, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप दोनों का स्वागत है। गौरांग सर, क्या लग रहा है एशिया कप, ये फाइनल तो इंडिया वर्सेस पाक की तैयारी कर लू ना मैं? बहुत बहुत शुक्रिया शो में आमंत्रित करने के लिए आशीष, और आप सभी को शुभ दिन। मेरे ख्याल से आपने ये जो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का नाम दिया है शो को, मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर उसी तरीके से होनी चाहिए, और टीम कोई भी आए मेरे ख्याल से मैच रोमांचक होना चाहिए। हार जीत तो खेल में होती रहती है आशीष, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की, हिंदुस्तान की टीम फाइनल में आए और अपने पूरे क्षमता के हिसाब से मैदान पर उतरे। टक्कर कांटे की होनी चाहिए, मैच रोमांचक होना चाहिए, नतीजा कुछ भी आए लेकिन मैच रोमांचक होनी चाहिए और आपको अपना 100% योगदान देना है मैदान में। अरे, लेकिन आप उनका भी तो सोचिए, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और हम आम पब्लिक का, सब इंतजार कर रहे हैं भाई एक और कांटे की टक्कर। वैसे ना भी हो तो हमारे लिए तो कप हम जीत ही गए पहले ही मुकाबले में। सुदीप सर, तैयारी नहीं कर रहे आप दुबई यूएई जाने की? मैं जाके आया आशीष, तो मैं वहीं पे जाके आए क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं वो करके ही आया। क्या बात कर रहे हो, अरे वाह, कैसा रहा सर? बहुत अच्छा था, मजा आया, बहुत दिनों के बाद एक स्टेडियम में जाके मैच देखा। हालांकि आईपीएल के टाइम हम मैच देखते के लिए, देखने के लिए जाते थे, पर वो आईपीएल का एक मजा अलग है और ये इंडिया पाक मजा बिल्कुल अलग है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और वो सोने पे सुहागा, अगर जीत जाए मैच तो अपनी जगह, एंजॉयमेंट अलग, जीत जाए तो फिर ओवरहैंग भी नहीं रहता, फिर बढ़िया, मतलब फिर पैसा वसूल और जीत के अलग के लिए उस मुकाबले बड़ा एंड तक। वो हार्दिक पांड्या का आपने फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस, बैठे बैठे दिख रहा था क्या? हमें तो टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा था, आन दो बॉल को देख लूंगा, है ना, वो छक्का जब आ रहा था उससे पहले जो टीवी में, वहां पे भी जो टीवी होते हैं वहां पे दिखा रहा था, तो दिख रहा था, वो बड़ा बड़ा स्क्रीन पे जो टीवी है वहां पे भी दिख रहा था उनका फेशियल एक्सप्रेशन। क्या एटीट्यूड था भाई साहब का। करने के वाले हैं अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बेस्ट या टाइटन्स, या कह लीजिए पसंदीदा स्टॉक, जो आजकल टेक्निकल फंडामेंटल एक्सपर्ट्स इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे रह रहे के मेंशन करते हैं, उन बेस्ट के बीच में क्या डिसाइड करना है, क्या फाइनली चुनना है। भाई, हम रिटेल का लिमिटेड एक्सपोजर हम ले सकते हैं,
लिमिटेड एक्सपोजर ले सकते हैं, हमारी अपनी लिमिट्स हैं अपने पोर्टफोलियो की, तो ऐसे में बहुत चूजी होना है, बहुत सिलेक्टिव होना है, हमें चूज करके लाना है एक स्टॉक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से हम लेकर जाएं अपने पोर्टफोलियो में या एक्यूमुलेट करें। तो उसी आइडिया के साथ हम ये आज शो लेकर आए हैं। सुदीप सर, आइडिया ठीक है ना? ये आपने देखा वो आइडिया बेस्ट वर्सेस बेस्ट का? ट्रेन आइडिया है आशीष, और इसी में मजा आता है। देखिए, बेस्ट प्लेयर इंडिया के साथ अब हांगकांग का मैच, उसका मजा ही क्या है। तो मैं तो रहा नहीं, वेट नहीं किया, मैं तो इंडिया पाकिस्तान के बाद चला आया। पर बात वही है, इंडिया पाकिस्तान में जो मजा है वो इंडिया हांगकांग में कहां है। ये ठीक है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। और ऐसे ही चलिए शुरुआत करता हूं मैं, वो एक एक करके क्लैशेस दिखाऊंगा। अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि दोनों में से कोई एक स्टॉक चुने। अच्छा, ये कोई, मैं इन लोग के आने से पहले ये बताना भूल गया, ये कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम रिटेल इवेंचुअली आपके कहे हुए स्टॉक्स पे पोजीशन शायद लेने का मन बनाए, एक्यूमुलेट करने का मन बनाए। कोई ऐसा क्लैश है जिसमें दोनों स्टॉक्स इस समय नहीं समझ में आ रहे, वो भी आप मेंशन कर देना, मैं उसे अवॉइड कर दूंगा, ओमिट कर दूंगा, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले गौरांग सर आपके पास आ रहा हूं, और क्लैश जो है वो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये दोनों स्टॉक रोज चर्चा पे आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, पिछले कई हफ्तों से आपने नोटिस करा होगा इन दोनों के बीच में हमेशा चर्चा हुई, चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो, सब चुनते रहे और क्या मूव्स इन दोनों स्टॉक्स ने एंजॉय करे। पिछले एक साल में HAL 100% के रिटर्न्स देके खड़ा हुआ है, BL में भी 50-60% के आसपास की तेजी, और इस समय ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि हर दिन उछाल ऑलमोस्ट गजब का मूव बन रहा है और स्ट्रीट डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं बहुत मीनिंगफुल रैलीज आ चुकी हैं, शायद ये लेवल्स नहीं खरीदारी करने की। कई लोग मानते हैं आप कंपेयर करिए पीयर्स से तो अभी भी बहुत सस्ते, प्राइवेट साइड के पीयर्स वगैरह से अगर मैं इसे कैपिटल गुड्स में कैटेगराइज कर दूं तो बहुत सस्ते हैं और इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टेलविंड्स हैं। गौरांग सर, आप कैसे देखते हो इस स्पेस को, इन दोनों स्टॉक्स को, HAL और BL, और हैं तो दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट, गजब के मूव्स दे रहे हैं और फंडामेंटल्स को लेकर आजकल स्ट्रीट वाउच करती है, कोई चुनना है तो कौन सा? मेरे ख्याल से आज ही एक इतिहास रचा है भारत ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को सौंपा है भारतीय नौसेना को, और 75% यानी कि 75% जो भी पुर्जे लगे हैं इसमें, ये भारत में ही बने हैं, 25% मेरे ख्याल से विदेशों से मंगा करके दिए हैं, और ये एक पूरा उदाहरण है सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लेकर के। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने FDI एंड डिफेंस को लेकर के, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर के एक मुहिम चलाई थी, उसका असर अब आते हुए दिख रहा है आशीष। और हमने कई बार हमारी चैनल CNBC आवाज पर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर के टिप्पणी करी है, पसंद तो दोनों ही है, लेकिन क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधे पर रखा है कि हमको तराशना है और तराश करके दोनों में से सबसे बेहतरीन पसंद कौन सी है वो हमारे दर्शकों के सामने रखे हम, तो उस लिहाज से मुझे HAL ज्यादा पसंद आता है। और उसका एक दो कारण मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय ले लूंगा। तेजस एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस करवाया, उसको उतारा गया, तेजस MK-1 और अब तेजस MK-2 यानी कि Mark-2 लड़ाकू विमान मेरे ख्याल से बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में आएगा और ये रिप्लेस करेगा Sukhoi-30 जो है, SU-30 जिसे हम कहते हैं, उस लड़ाकू विमान को, क्योंकि उसकी भी उम्र हो रही है। और जिस प्रकार से भारत के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह आशीष के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को न तो सिर्फ भारत में से बल्कि विदेशों मुल्कों में से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले। और इन्होंने हाल ही में जो दुबई में एयर शो हुआ था वहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया था और बहुत बड़े बड़े करतब इस हेलीकॉप्टर ने करके दिखाए। तो अगर दोनों में से, दोनों पसंद तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पसंद। बिल्कुल ठीक, पसंद दोनों है, दोनों कंपनी।